एक महिला को भारी पड़ गया। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसकने लगी। महिला को ट्रेन के साथ घिसकता देख वहां अफरा तफरी मच गई। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक शख्स ने तेजी से आगे बढ़कर महिला का हाथ पकड़ा और उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इस बीच पुलिस के जवान और दूसरे लोग भी महिला की तरफ दौड़े। महिला को बचाने के लिए लोगों ने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोका और फिर महिला को उसमें बैठाया। तो मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें, दरअसल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ये महिला कर रही थी लेकिन संतुलन बिगड़ा और ये ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में काफी दूर तक घसीटते हुए ऐसे ही जाने लगी। आसपास के लोग दौड़ते हुए इस महिला के पास पहुंचे और उस महिला को वहां से निकालकर ट्रेन पर चढ़ाया गया। इस बीच ट्रेन को भी रोका गया। न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में 250 साल से भी पुरानी एक इमारत को बड़ी सी नाव के जरिए दूसरी जगह पर पहुंचाया गया क्योंकि मकान खरीदने वाले परिवार ने वहीं बसने के बजाय मकान को ही अपने शहर ले जाने का फैसला किया, जिसके बाद इस मकान को एक बड़ी नाव के जरिए ईस्टर्न से क्वींसटाउन ले जाया गया। इस दौरान इस 3 मंजिला पुरानी इमारत को एक तैरने वाले बड़े प्लेटफॉर्म पर लादा गया और उसे समंदर के रास्ते करीब 80 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जिससे पहले पूरी इमारत को जड़ से उखाड़कर एक बड़ी गाड़ी पर लादा गया और सड़क के रास्ते करीब 8 किलोमीटर दूर बंदरगाह तक पहुँचाया गया। वहाँ इमारत को मशीनों की मदद से एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया गया। इमारत के प्लेटफॉर्म पर रखे जाने के बाद एक बड़ी नाव की मदद से उसे खींचते हुए गहरे समंदर में ले जाया गया। हालांकि इस इमारत को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह ले जाने में 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बन रही एक सुरंग का हिस्सा टूट गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ सुरंग में कई मजदूर और इंजीनियर मौजूद थे जो सुरंग का हिस्सा गिरते ही जान बचाने के लिए सुरंग से बाहर की तरफ भागने लगे। इससे पहले सुरंग में खतरे का अंदाजा लगते ही वहां काम कर रहे मजदूर खतरे वाले हिस्से से दूर चले गए। सुरंग का एक हिस्सा गिरते ही वहां रखी कुछ मशीनें भी उसकी चपेट में आ गई। बताया गया कि जहां यह हादसा हुआ वहां से कई पत्थर नेशनल हाईवे पर जा रही गाड़ियों पर भी गिर गए। द लखनऊ में सीएम योगी आज देश की पहली निजी ट्रेन तेजस को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में पैसेंजर्स को विमान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन कानपुर और गाजियाबाद में रुकते हुए नई दिल्ली पहुंचेगी और ये हाईटेक ट्रेन नियमित रूप से 6 अक्टूबर से चलनी शुरू होगी। IRCTC के मुताबिक अगर ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो यात्रियों को 100 रुपए और ट्रेन के 2 घंटे से ज्यादा लेट होने पर 250 रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को 25 लाख रुपए का मुफ्त रेल यात्रा बीमा मिलेगा। पहली कार्पोरेट ट्रेन तेजस को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना कर दिया। आप देख सकते हैं कि गाड़ी चल चुकी है, गार्ड जो है वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहली ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। इसमें बहुत सारे यात्री पहली यात्रा कर रहे हैं। वो तेजस का ट्रेन है जो जहाज की तरह लैस, इसमें सारी सुविधाएं हैं। ये लखनऊ से दिल्ली के लिए आज मुख्यमंत्री ने रवाना किया। हालांकि 6 अक्टूबर से नियमित रूप से चलाई जाएगी और मुख्यमंत्री ने भी ट्रेन का बाकायदा अवलोकन किया। जो सुविधाएं हैं वो उन्होंने देखी और खुद मन से तारीफ की है रेलवे बोर्ड की और हाईटेक की तरीके से इस ट्रेन को तैयार किया गया। फिलहाल राजधानी लखनऊ से ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।